नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान, आइए आपको रूबरू कराता हूं देश प्रदेश की खबरों से। बिजली की बढ़ती दरें, अनियमित मंडी शुल्क एवं किराए की दुकानों पर GST लगाए जाने समेत विभिन्न लंबित समस्याओं के चलते उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को नामित पोस्ट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान किए जाने की मांग रखी गई। इस पूरे मामले में व्यापारियों को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ रहे हैं, जानने के लिए देखिए नवोदय प्लस टाइम्स पर मलावरा से इमरान खान के साथ अभय प्रताप सिंह की यह रिपोर्ट। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के चलते ललितपुर जनपद में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराने और उनके समाधान के लिए व्यापारियों द्वारा पोस्ट कार्ड भेजकर उनकी समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है। तो इस अभियान के बारे में जानने के लिए हमारे साथ मड़ावरा के उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष मौजूद हैं, श्री संजय खन्ना जी, और हम उनसे ही जानेंगे कि किस तरह का अभियान व्यापारियों द्वारा चलाया जा रहा है, किस तरह की उनकी मांगें हैं, क्या समस्याएं हैं। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं। जी बताएं, किस तरह का ये पोस्ट कार्ड अभियान व्यापारियों द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें क्या लंबित आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या मांगें हैं, इसके बारे में आप बताएं। व्यापारियों की समस्याएं, 6 समस्याएं हमने माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से रखी हैं, 5 समस्याएं सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के पास रखी हैं, जिनमें बिजली की बढ़ी हुई दरें, 45 दिन का जो बिजली का अतिरिक्त वो लग रहा है उसके संबंध में, किराए पर GST, इन सब चीज़ों को 11 मांगों में रखा गया है। और इसी संबंध में पोस्ट कार्ड अभियान पूरे प्रदेश में माननीय श्याम बिहारी मिश्रा, जो हमारे चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके तत्वाधान में रखा गया है। भ्रष्टाचार में बढ़ावा मिलता है, व्यापार में दिक्कत होती है, कई राज्यों में 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 70 पैसा, UP में 2.5 रुपया है। इससे यहाँ के किसान, वहाँ पर माल तेज बिक जाता है, इसलिए यहाँ के किसान माल लेके वहाँ चले जाते हैं, तो व्यापारियों के लिए बहुत उसमें समस्या खड़ी हुई है। और कई चोर बाजारी करते हैं, कई तरीके बाहर के व्यापारी, इससे व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। पंजाब में व्यापारी चाहते हैं कि सारे प्रदेश में, सारे देश में सभी मंडियों का एक सा मंडी शुल्क होना चाहिए, ताकि यह समाप्त किया जाए, ताकि एक सा व्यापार चल सके। हम लोगों ने ये मांग की है कि दुकानों पर जो GST लगाई गई है वो खत्म, किराए पर जो GST लगाई है उसको खत्म किया जाए, और हम लोगों का जो मतलब मंडी शुल्क है जो देश भर में एक सा किया जाए, जो पूरे देश में कई देशों में है नहीं, कई देशों में है, जैसे प्रदेशों में MP में जैसे 2, हमारे UP में 2.5 है, MP में 1.70 है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सब जगह पूरा एक सा होना चाहिए, बिजली की दरें कुछ कम की जाए। व्यापारी लोग सभी चाहते हैं इस प्रकार से कि ताकि सब की दरें एक सी होना चाहिए, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो।